हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पल्स आईआईटी जेई। तो बच्चों, आज हम लोग गैस लॉ से एक क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस को एक बार पढ़ते हैं। ए प्लॉट ऑफ वॉल्यूम वी वर्सेस टेम्परेचर टी, ठीक है, फॉर ए गैस एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द प्लॉट एट डिफरेंट वैल्यू ऑफ प्रेशर आर शोन इन फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द प्रेशर इज द करेक्ट फॉर दिस गैस। ठीक है, तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर क्या किया गया है। यहाँ पर आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर से एक क्या किया है, ग्राफ प्लॉट किया गया है। जो इस पॉइंट को देखेंगे, अगर मैं इस पॉइंट पर जा रहा हूँ, एक ही ग्राफ चूज कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है, प्रेशर आपका P1 ही रहेगा। प्रेशर यहाँ पर कॉन्स्टेंट है क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट किया गया है। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पर आऊँगा सिर्फ, तो ये क्या होगा, ये आपका प्रेशर P2 ही रहेगा, प्रेशर कॉन्स्टेंट है। मगर प्रेशर अलग अलग प्रेशर पर चार डिफरेंट ग्राफ आपको प्लॉट करके दिया हुआ है, और P1, P2, P3, P4 इनके बीच में क्या रिलेशन है, कौन ग्रेटर है, कौन आपका लेस देन है या इक्वल है ना, इनके बीच में आपसे रिलेशन पूछ दिया है। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है कि आप यहाँ पर गैस लॉ लगा रहे हो, और गैस लॉ में हम लोग जनरली आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करते हैं, है ना। तो हम लोग फॉर्मूला क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, PV इक्वल टू nRT, सारे बच्चे जानते हैं। PV इक्वल टू nRT, P इज द प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस, मोल्स ऑफ गैस, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, राइट। तो ये तो आप जानते हो। तो इसको सॉल्व करने का एक टेक्निक है, क्या है टेक्निक, आप जब भी इसको सॉल्व करो तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, देखो ये ग्राफ दिया हुआ है, हम या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल हम एक ड्रॉ कर सकते हैं लाइन को, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से निकालोगे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करती है। जैसे ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिए, तो आपने क्या किया, आप देख रहे हो टेम्परेचर को आपने कर दिया क्या कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर क्या कर दिया आपका कॉन्स्टेंट, क्यों, क्योंकि ग्राफ P4 के लिए देखो टेम्परेचर कितना है, इतना ही है। इसके लिए देखो P3 ग्राफ के लिए मेरा टेम्परेचर वही है, देखो यहाँ पर P2 के लिए टेम्परेचर कितना है, उतना ही है, और यहाँ P1 पे देखो टेम्परेचर फिक्स्ड है। मतलब मैंने टेम्परेचर क्या किया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके मैंने क्या किया, सबको चारों ग्राफ के लिए मैंने टेम्परेचर कर दिया कॉन्स्टेंट। जब टेम्परेचर जैसे कॉन्स्टेंट हो गया, तो अब एक बात बताओ, जब हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है, तो एक काम करते हैं कि जो जो कॉन्स्टेंट है हम उसको क्या करते हैं, एक बार काट देते हैं। ठीक है, काट के क्या देखते हैं, देखो टेम्परेचर मैंने कर दिया चारों ग्राफ के लिए कॉन्स्टेंट, तो ये कॉन्स्टेंट हो गया। यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स जो देखे वो भी क्या है, चलो मैं अगर P1 को देखूँ, तो जो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ग्राफ किसी गैस का प्लॉट किया गया है, उसका मोल्स क्या है, मोल्स तो कुछ हो कुछ ना होगा, मान लो मैं n मान लिया। P2 के लिए वही गैस, वही वेट, वही मोल्स, सब कुछ सेम है, बस मैंने क्या किया टेम्परेचर चेंज करके उनके वॉल्यूम को चेंज कर दिया, है ना, और अलग अलग प्रेशर पर अलग अलग मैं कंडीशन रख दिया। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि चारों प्लॉट एक ही गैस, एक ही अमाउंट, एक ही मोल्स के रिस्पेक्ट में प्लॉट किया गया है, बस पैरामीटर्स को अलग किया गया है, ठीक है ना। तो मोल्स भी कॉन्स्टेंट है। तो अब बताओ कि PV = क्या हो सकता है, PV = क्या होता है, K, सारा कॉन्स्टेंट है, K कर दिया। तो मेरे पास देखो यहाँ पर कि P = K/V, ये नजर आ रहा है ना। तो जब आपका ये कांस्टेंट है, तो प्रेशर वॉल्यूम के साथ कैसा रिलेशन है, तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेरे पास वॉल्यूम है, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, मेरे पास वॉल्यूम है। अगर आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम होगा, सीधा सा बात, इन्वर्सली रिलेशन है। और अगर मान लो मेरा वॉल्यूम घटेगा तो क्या होगा, प्रेशर मेरा बढ़ेगा, ठीक है, इन्वर्सली रिलेशन है। तो आइए ग्राफ को देखते हैं। देखिए ये देखो, इस टेम्परेचर पर मेरे पास पहला ग्राफ के लिए वॉल्यूम मान लो कुछ है V1, ठीक है, P2 के लिए मेरे पास वॉल्यूम कितना है V2, ठीक है, P3 के लिए मेरा वॉल्यूम कितना होगा V3, एंड P4 के लिए मेरा वॉल्यूम कितना होगा V4। आपको यहाँ से अंदाज़ा लग ही रहा है कि यहाँ पर ध्यान से देखो कि आपको अंदाज़ा लग रहा है कि सर V4 कम है, V3 ज़्यादा है, V2 और भी ज़्यादा है, और V1 आपका सबसे ज़्यादा है वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर सबसे कम होगा, है कि नहीं, प्रेशर आपका सबसे कम होगा। तो एक काम करना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, मतलब जिस वॉल्यूम पर आप V1 देख रहे हो वो सबसे ज़्यादा है, तो उसका उस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, आपका प्रेशर कम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि P1 क्या है आपका सबसे लेस, वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ जाएगा, देखो वॉल्यूम कम हो गया, है ना। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, V1 का ज़्यादा है, V2 का कम है, तो वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर देखो क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो P2 क्या होगा, P1 से ज़्यादा ही होगा, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो गया, V3,
V3 देखो वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जितना वॉल्यूम कम प्रेशर उतना ज़्यादा, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है P3। और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कम किसका है, ये फोर्थ वाला का। तो अगर मान लो वॉल्यूम सबसे कम है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। तो मेरा प्रेशर जो फोर होगा आपका सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बताया है कि नहीं, क्लियर। तो ये ऑप्शन चूज कर लेते हैं P1, P2, P3, P4। सबसे पहले अगर बात करें P1, P2, P3, P4, तो ऑप्शन आपका आने वाला है क्या है, सी। ओके क्लियर है। चलिए अगर ये आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।